so jealous of you. Tum ne to veliki khotas bachelorko fasali ya hai. And that's true. रेहान इंडस्ट्रीज ग्रेटर नोएडा में कोठी बड़ी बड़ी गाड़ियां गोल्फ कोर्स। खुराना साहब अगर ये डील हो गई तो थोड़ा मेरे बारे में भी सोचिएगा। इलेक्शंस आ रहे हैं खुराना साहब, फंड्स की जरूरत पड़ेगी। ये फेयर और लवली की जिंदगी जीते जीते ये तो नहीं भूल गया, काम ये हमारा मैल धोने का ही करता है। जगी जी विराज भाई तो राउंड खेलने बिजी है। सालो दलाली पे ही जीते हो, 2% 3% बस, मुंह भी उतना ही खोला करो, यही औकात है तुम्हारी। बुला दल्ले को, ज्यादा हवा में उड़ने से पहले ये सोच लिया करो कि काम हवाले का ही करते हो। एनसीआर में 1000 हवाले वाले हैं जो हमारे लिए रेड कार्पेट बिछा के बैठे हैं। वॉशिंग पाउडर त्रिहान, वॉशिंग पाउडर त्रिहान, इसकी चमकार ने जादू कर दिया। मतलब वॉशिंग पाउडर लॉन्ड्री के लिए, हर दाग हटा है, सफेदी की चमकार ला, काला धन सफेद बना है। पासवर्ड है, माल उठाने के लिए पासवर्ड की जरूरत तो पड़ेगी ना। त्रिहान वॉशिंग पाउडर, इसकी चमकार ने जादू कर दिया, बस माल सही जगह पर पहुंच जाएगा। विराज खुराना, एक राउंड हो जाए। चलो सबसे लंबी शॉट मार के दिखाता हूं तेरे को। आइए, बात सिर्फ लंबे शॉट की नहीं है, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, बिल्कुल हमारे काम की तरह। कैसे टी ऑफ करें कि माल सारे हर्डल्स को निगेट करके, सारे बंकर्स को अवॉइड करके, सारे सैंडपिट से बच के सीधा टारगेट तक पहुंच जाए। Good shot. Password. माल टारगेट पे पहुंचाना है, पासवर्ड तो देना पड़ेगा। वॉशिंग पाउडर त्रेहान, इसकी चमकार ने जादू कर दिया। इसकी क्या जरूरत थी? चाचा आप जानते हैं ये क्या काम करता था? हाँ विराज भाट, लड़कियों की तस्करी। बाबा हमेशा कहते थे कि इतनी गंदगी में हाथ ना डालो कि साफ ना कर पाओ। हवाला भी एक हद तक की गंदगी की ही की जा सकती, फिर चाहे वो पैसे हो या करम। मेरे गैर कानूनी काम करने के भी कुछ कानून है जिन्हें तोड़ने की सजा है सिर्फ मौत। वैसे भी इसे रेड कार्पेट चाहिए था ना। जगी मैं जानवर हूं, मैं राक्षस हूं, है मेरा कोई दिल का
मैं आग हूं, मैं पत्थर हूं, बस नफरत की है जगह यहां। प्यार तो एक गद्दार है गद्दारों से नफरत मुझे। दोस्त नहीं है ये दुश्मन है, जो खुशी नहीं बस धरती दे। एक दीवार बना रखी है, कोई बना नहीं जो इसे तोड़े। जख्मों के इस सौदागर को कौन होगा जो ये जख्म दे। मुझे बार बार फोन करना बंद करो। आई एम नॉट रेडी येट। विराज और खुराना की आज मीटिंग हुई है, मतलब कोई बहुत बड़ी मूवमेंट होने वाली है। मैं तुझे वही करने को कह रहा हूँ जो तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ, वो ठीक है, लेकिन पहले मुझे मेरी और मेरी फैमिली की सेफ्टी देखनी पड़ेगी ना। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, दोपहर में मिलते हैं। पीजी, मेरी अभी तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की और आप अपनी डेट्स लाइन अप कर रहे हो। बेटा, आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि आप लंदन जा रही हो? ये सोच सोच के मेरा दिल दहलता है। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट आल्सो। पीजी, आपको ना टाइम भी नहीं मिलेगा ये सब सोचने का। आप तो खुश होगे, आपको आपके फर्स्ट लव के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। एंड दिस कबाब में हड्डी विल बी आउट। फर्स्ट लव? वो कौन है? विराज तिरहान। पता है, सिर भी मेरा इतना नाम नहीं लेता जितना आप विराज तिरहान का नाम लेते हो। कब से आप काम कर रहे हो उसके साथ? 5 साल हो गए, कभी आपको नॉर्मल नहीं देखा मैंने। कुछ शेडी तो नहीं कर रहे हैं तिरहान्स? काव्या, हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट हम साथ कर ले बिना किसी को याद करे हुए। पता नहीं फिर मौका कब मिलेगा। बात पलटने की कोशिश कर रहे हो। जो सबसे क्लोजेस्ट है उससे फॉर्मल हो रहे हो, आंखें चुरा रहे हो। दिस इज नॉट हेल्दी। पीजी, डोंट बी सैड। आप लंदन आ रहे हो ना? सिड कब से याद कर रहा है, कब से चाहता है कि हम लोग वहां पे आए। वी आर हिज ओनली फैमिली, ही नीड्स अस। बस कुछ ही महीनों की बात है, मैंने बताया था ना, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम है, उसको ख़त्म करके आई विल बी देयर विद यू। और तब तक तुम और सिड थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड कर लो। वैसे भी एक्चुअली 2 साल पहले ही तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए थी थेरेपिस्ट साहिबा, जब सिड डॉक्टर बना। और मेरे जाने के बाद आप हमेशा अपनी मेडिसिन लेते रहना। अरे डोंट वरी, वो है ना, वो ध्यान रखेगी मेरा, कब मेडिसिन लेनी है कब नहीं। ऑलवेज फ्रॉम अनदर डायमेंशन। आप क्यों अपसेट हो रहे हो? तो ऐसे अपसेट हो रहे हो जैसे इसके बाद हम मिलने ही नहीं वाले। ऐसा नहीं है बेटा, एक्चुअली इतने दिन साथ रह लिए ना, तो बस एक्चुअली आदत सी हो गई है। और ये आदत कभी नहीं छूटने दूंगी, आई प्रॉमिस। चलो, आई नीड टू गेट रेडी, क्लिनिक जाना है, चलो। अरे जूस,